पिलोप पिल में होती जा रही है मेरी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन भैलों को आज मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। ये बताओ, मेरी 3 दिन की फिल्म की कमाई इतनी हुई है जितनी कमाई पठान ने 1 दिन में की थी, जिसमें कि 2 दिन हॉलीडे के थे, 1 दिन संडे था तो 1 दिन ईद थी। और आज से मंडे शुरू हो रहा है, मुझे लगता है आज से मेरी फिल्म की कमाई बहुत बुरी तरीके से गिरेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। सनीपा जी, आप ही बताओ, ये फिल्में फ्लॉप क्यों होती जा रही है? आपकी फिल्म गदर 2 को भी खतरा है। देख सलमान, इतनी बात तो मैं कह देता हूँ, मैं गदर 2 की शूटिंग छोड़ने के लिए ये तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। भले ही तेरी फिल्म किसी का भाई किसी की जान फ्लॉप हो या हिट हो, लेकिन मेरी फिल्म गदर 2 तो सुपर हिट ही होगी, इतना लिख के ले ले अभी से। बस सलमान भाई, 1-2 फ्लॉप में ही तिलमिला गए। मैं तो देखो 7-8 फ्लॉप फिल्में दे चुका लगातार, और आपकी तो कुछ ही फ्लॉप फिल्में हुई है उसी में तिलमिला गए। लेकिन एक बात मेरे समझ में आज तक नहीं आई, शाहरुख भाई, आपकी फिल्म पठान ने इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर ली, 1000 करोड़ से ऊपर? कहीं फेक कलेक्शन तो नहीं था? अच्छा, तुम भी क्या घटिया मजाक करते हो। मेरी फिल्म ने 1000 करोड़ कमाए थे, कमाए हैं और कमाती रहेगी। रहेगी का मेरा मतलब है, मेरी फिल्म जब जवान रिलीज होगी तो 1000 करोड़ से ऊपरी कमाएगी, इतना लिख लो। लेकिन शाहरुख भाई, एक बात तो बताओ, मेरी फिल्में क्यों नहीं कमा रही है? आपकी फिल्म कमा रही है लेकिन मेरी फिल्म क्यों नहीं कमा रही है? अरे सलमान, कैसी बात करते हो, तुम्हारी फिल्म पठान ने कामयाबी हासिल की क्या नहीं की? कितनी 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की? पठान में तुम नहीं थे, तुमने भी तो काम किया था, तो तुम्हारी फिल्म भी तो पठान हुई। मुझे लगता है तुम्हारी फिल्म Tiger 3 जरूर बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करेगी। देखो शाहरुख भाई, एक ही बात बता देता हूँ, फ्लॉप फिल्मों की चिंता से बचने का एक ही तरीका है भाई, फिल्मों को साउथ की रिमेक करना छोड़ दो, ओरिजिनल फिल्म बनाओ, जैसे आपकी पठान थी और सनी पाजी की गदर 2 होगी। मुझे भरोसा है गदर 2 भी अच्छी कामयाबी हासिल करेगी। मेरी भोला को ही देख लो, मेरी भोला फिल्म भी रीमेक थी साउथ की, फ्लॉप हो गई फिल्म। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।